चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स। इनकी बात बहुत ज़्यादा होने लगी है आजकल। मुझे याद है कि मैंने देखा था कि काजोल को एक ऐड में, जिसमें याकुल्ट बताते हैं कि ये प्रोबायोटिक है और उसको लेना चाहिए। तो ये सच बात है कि हमें प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स दोनों की ज़रूरत होती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमारी इंटेस्टिन्स, हमारे जो स्टमक है, वो सब में बैक्टीरिया होते हैं जो कि फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया होते हैं। तो प्रोबायोटिक एक्चुअली वो लाइव बैक्टीरिया ही होते हैं, कुछ खाने की चीज़ों में पाए जाते हैं। तो ये है, जैसे आपने आज दही होता है, दही है और इसमें बैक्टीरिया पाए जाते हैं और बैक्टीरिया की वजह से ही ये दही जमता है। तो ये आपको बहुत फ़ायदा करता है और आपके जो गुड बैक्टीरिया जब आपके प्लेंटी रहते हैं आपके इंटेस्टीन में, तो वो आपकी आपको स्वस्थ रखते हैं, क्योंकि इंटेस्टीन्स के थ्रू ही सब कुछ जाता है। आयुर्वेद के अनुसार हमारा पेट ही सब कुछ है जो कि हमें स्वस्थ रखता है। तो वहाँ पर अगर गुड बैक्टीरिया नहीं रहेंगे, तो जो बैक्टीरिया वहाँ रहकर आपको फ़ायदा करते हैं, वो अगर नहीं होंगे तो आपका डाइजेशन अच्छा नहीं होगा। डाइजेशन अच्छा नहीं होगा तो आपकी कोई भी ऑर्गन उतनी हेल्दी नहीं हो पाएगा। जैसे कि हमारे यहाँ प्रोबायोटिक्स में अचार है और ये दही है, मट्ठा है, ये सब चीज़ों में, ये सब चीज़ें प्रोबायोटिक्स होती हैं। और इसी की तरह से एक विदेशी जो प्रोबायोटिक है मैं बता रही हूँ, जो आप घर में बना सकते हैं, वो है किमची और सॉरक्रॉट। ये दोनों कैबेज से बनते हैं और आप यूट्यूब पर जाकर उसको देख सकते हैं कि कैसे बनाते हैं, नहीं तो मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा। उसको रखिए, उसको खाइए, वो टेस्टी भी बहुत होता है। और इस तरह से आप अपने प्रोबायोटिक्स को बढ़ा सकते हैं अपनी डाइट में इन सब चीज़ों को खाकर। अच्छा, अब आता है ये प्रोबायोटिक्स जो है वो एक ड्रिंक भी होते हैं कुछ, जो आप बना सकते हैं घर में। जैसे कि आप कांजी भी होती है, वो भी एक मतलब प्रोबायोटिक ही होती है, जिसको हम बना सकते हैं। फर्मेंटेशन से बनती है। कैसे बनती है? उसमें आप या तो बीट रूट मतलब चुकंदर ले लीजिए और थोड़ा सा अदरक ले लीजिए और उसको चॉप करके डाल दीजिए। उसमें एप्पल साइडर विनेगर और नमक डालकर रख दीजिए। 2-3 दिन में वो तैयार हो जाता है और उसका पानी भी बहुत इफ़ेक्टिव होता है और उसमें बैक्टीरिया होते हैं, फर्मेंटेशन जो करते हैं वो बहुत फ़ायदा करता है। ये आप बना सकते हैं घर में और बच्चों को भी दे सकते हैं, टेस्टी होता है। अच्छा, अब आते हैं प्रीबायोटिक्स पे। प्रीबायोटिक जिस तरह से प्रोबायोटिक जो हैं वो लाइव बैक्टीरिया होते हैं, उस तरह से प्रीबायोटिक का मतलब ये है कि जो ये हमारे बैक्टीरिया हैं जो हमारे इंटेस्टाइन्स में हैं, उनको भी कुछ खाने को चाहिए होता है और वो भी उनकी भी डाइट होती है और उनको खाना चाहिए होता है। लेकिन वो उनको प्रोवाइड तो हम ही कराते हैं, हम जो चीज़ खाएंगे वही उनको मिलेगा खाने के लिए और पेट में जाएगा तो वो खाते हैं, सेटिस्फाई होते हैं। और कुछ आपको बताएं दोस्तों, कुछ विटामिन भी बनाते हैं, जैसे विटामिन के है वो भी बनाते हैं बैक्टीरिया वहाँ पर और वो बहुत ही फ़ायदा करता है। तो इस तरह से जो चीज़ें होती हैं जो हम खा सकते हैं जिससे कि हमारे अच्छे वाले बैक्टीरिया को खाना मिले, उनमें कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें फ़ाइबर होता है। फ़ाइबर होता है वेजिटेबल्स में, होता है फ्रूट्स में भी, होता है ओट्स में, होता है और स्प्राउट्स में होता है। तो इस तरीके से आप ले सकते हैं। अच्छा, प्रीबायोटिक चीज़ें जब आप खाते हो तो फिर आपका बैक्टीरिया खुश रहता है और आपको उसके बदले में आपको हेल्दी रखता है। तो ये हो गया। और एक प्रीबायोटिक ड्रिंक मैं आपको बता सकती हूँ, उसमें साइलियम हस्क ले लेते हैं 1 चम्मच, मतलब वो ईसबगोल जिसको बोलते हैं, 1 चम्मच वो ले लीजिए या आधा चम्मच ले लीजिए और उसको 1 गिलास पानी में डालकर, और उसमें एप्पल साइडर विनेगर आप 1 चम्मच डाल दीजिए, आधा चम्मच साइलियम हस्क या ईसबगोल का डाल दीजिए और उसको मिक्स करके खाना खाने के आधे घंटे पहले आप पी लें उसको। तो ये एक प्रीबायोटिक ड्रिंक हो गया जो कि आपके बैक्टीरिया को एक्टिवेट करता है, उसको सेटिस्फाई करता है। और फिर उसके बाद जब आप खाना खाते हैं तो आपके एंजाइम्स वगैरह सब एक्टिवेटेड रहते हैं, जो विटामिन्स हैं वहाँ पर वो सारे एब्जॉर्ब होते हैं एक साथ में। तो ये 2 चीज़ें हैं जो कहते हैं कि प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक। इनमें बताया कि प्रोबायोटिक एक लिविंग बैक्टीरिया होते हैं और प्रीबायोटिक जो है हमारे जो बैक्टीरिया ये होते हैं इंटेस्टिन में, उनका खाना, किस तरह से हम उनको खाना अच्छा दे सकते हैं, ये होते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक छोटे से वीडियो के साथ। नमस्कार।